الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ मजीद। जी असल वरम्तुल्ला वबरकू आवाज कुछ रुक रुक कर आ रही है आपके साथ भी ऐसे हो रहा है जी जी आवाज कुछ आ रही है ना रुक रुक के चले ऐसा कुछ हुआ, हुआ तो बताइएगा क्लास शुरू करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नहमदुहु व नुसली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी रुछ शराह सदरी व यसिर ली, ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी قولي زدني علما اللهم فقهنا في الدين कैसे आप सब अल्लाह आप सब्लाअनी में रखे अल्लाह सुबहान दीन पर बेहतरीन इसका फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान तला की तो से आज हमारी जो सियाम है रोजों के फाइल की किताब मुकम्मल हो जाएगी और उम्मीद है रमज़ान की अहमियत फर्जियत फजीलत और रोज़ों के मुतालिक जो अहकाम और मसाइल हैं उनको जानने के बाद इन रमजान में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की ख़ास रहमतों और बरकतों को हम समेट पाएंगे कल ट्वेंटी सिक्स फेबर है छब्बीस फरवरी हम किताब ज़कात का आगाज कर रहे हैं आपको ग्रुप में लिंक दिया जा रहा है उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा और इनशाला हमारी जो किताबु ज़कात है उस पर भी इसी तरह से लाइव डिस्कशन हुआ करेगी जिस तरह भी होता है ना कुछ लेसन पांच छह आपके मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर होती है बिल्कुल इसी तरह और दुआसम आप सबको इस रमजान में द्वारा क़ुरान सुनने क्याल करने इबादत और ज्यादा से ज्यादा जो नेकाल है करने की हम सबको में किताबो जक़ा जब मुकम्मल होगी तो करवाया जाएगा ताला। और शेखे ये भी दुआ है कि अल्लाह इस तमजान में हमें सबर करने क्योंकि रोजा रख रख कर हम सबर ही सीख रहे होते हैं और अक्सर रोजे की हालत में सबर करना मुश्किल भी होता है कि सबर करने की और तकवा अख्तियार करने की भी अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तौफीक अता फरमाए और बहुत सारी दिली दुआएं हैं आप भी सब दिल से दुआ कीजिएगा कि इस रमज़ान में उम्मत मुसलमान पर अल्लाह साल अपना खास व करम फरमा दे उम्मत मुसलमा पर काफी सख्त वक्त है फलसन के मुसलमानों को अल्लाह तब फरमा दे अल्लाह तिश्तों से मदद करे उनकी तमाम जो मुश्किल हैं और जो जो वहाँ बेचारे बहुत ही मुसीबत में हैं अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ फरमा दे और सबसे बड़ी बात के हम जो मुसलमान हैं हमारे दिलों में भी उनका दर्द उनका एहसास जो है वो पैदा कर दे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहुत दुआ कीजिएगा इस रमजान में और उसके बाद बहुत सारी दुआएँ हैं आज हम इनशा थोड़ी सी बाद में भी कर लेंगे कि अल्लाह जो जो इस दुनिया से चले गए हैं हमारे मुसलमान ज्यादातर तो बच्चे साल गए हैं फिर हमारे वालदे रिश्तेदार अल्लाह ताला उनकी भी नफरत फरमा दे हमारी भी फरमा दे और जो िम हुमरान जबर झुलम कर रहे हैं अल्लाह ताला उससे भी हमें महफूज रखे आमीन अल्लाह आमीन दिखा लीजिए किताब लेसन नंबर है नाइनटीन पेज नंबर मेरी किताब में तो एटी है ठीक है आप देख लीजिए जो भी आपका पेज नंबर है किताब का आज कोई भी होगा ताला ठीक है और सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे चले जी सबसे पहला हमारा टॉपिक है लेसन नंबर नाइनटीन पेज नंबर एटी सदाकतुल फितर सद फितर के मिसाइल वन फोर्टी एट सदका सदका फितर जो है ये फर्ज है सदका फितर सद का फितर का मकसद रोजे की हालत सरजद होने वाले गुनाहों से खुद को पाक करना है यानी जो भी कमी कुताइयां हो जाती हैं जाने जाने में वो माफ हो जाती हैं। सद का फितर डबाज से पहले अदा करना चाहिए वरना आम सदका शुमार होगा मैं आपसे सवाल करती हूँ बस एक हदीस भी देख लेते हैं अगली सदका फितर के मुस्तक वही लोग हैं जो जक़ात के मुस्तक होते हैं हबारी है 151 मसला जक़ात अल फित्री तोहरा तयी मिनवी व रफसी व तो

खाने का इंतजाम करने के लिए फर्ज है जिसने ईद से पहले अदा किया उसका सदका फितर अदा हो गया और जिसने रवाज ईद के बाद अदा किया उसका सदका फितर जो है वो आम सदका शुभार होगा जी कोई भी सवाल हो तो पूछिएगा इन अहादीस से जी, सबा जी आप का पूछना है जी

सदका फितर की मकदार एक सा एक सा कितना होता है आगे लिखा हुआ है पौने तीन से आजकल तो किलो का जमाना है तो ढाई किलो बस ये याद रखें सदका फितर की मकदार क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ढाई किलोग्राम किलो। ठीक है बस ये सादा सा एक हिसाब है ठीक है पैसों का मसला इसलिए नहीं है क्योंकि वक्त के साथ साथ रेट तो बढ़ते हैं ना चीजों के तो आप बहुत आसान है बस ढाई किलो आप ले लें क्या क्या ले सकते हैं वो भी आगे देखेंगे अगला मसला है सदका फितर हर मुसलमान गुलाम गुलाम हमारे जो सर्वेंट्स होते हैं मासिया ड्राइवर माली जो भी उन सबको भी देना है ठीक है तो हर मुसलमान गुलाम हो या आजाद हो मर्द हो या औरत हो छोटा हो या बड़ा हो ठीक है रोजेदार हो या गैर रोजेदार हो रोजा रखा र, र, रखे हो या ना रखे हो है कितनी हमने रुसते देखी उजर देखे तो वो बाद में लौटाएगा यानी हर एक पर फर्ज है और साहेब निसाब हो या ना हो साहेब निसाब की भी एक आगे एक हदीस आएगी उस पर फिर बात करेंगे सब पर फर्ज है ठीक है तो इससे क्या सीखा अगर हमारे घर में काम करने वाले हैं तो क्या किया जा सकता है आगे आएगा वैसे ही मैं पूछ रही हूँ जी, उनका, भी हमें, उनका, जी, जी, हमें, उनका भी हमें और वो नहीं दे सकते। पास एक <laughs> खाने की और शाम को खाने के लिए कुछ ना हो उनके ऊपर फर्ज नहीं है बिल्कुल सही कहा आपने फिर अगली हदीस है की रमजान का सदका फितर एक सा खजूर अच्छा खजूर हम खजूर निकालेंगे क्या क्या ये मसरूस हो जाएगी या एक साथ जौ गुलाम आजाद बर्ड औरत छोटे बड़े हर मुसलमान पर फर्ज किया आगे बात करेंगे तो म्यूट कर लीजिए फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से न, वो हो रहा है जकिया जी आप कर दीजिए प्लीज म्यूट ठीक है अच्छा जी हाँ जी वन फिफ्टी फोर है सदका फितर गल्ला की सूरत में देना अफजल है और वन फिफ्टी फाइव है गंदम चावल जौ खजूर मुनक्का या पनीर में से जो चीज दे रहे इस्तेमाल हो वही देनी चाहिए जी इससे क्या समझ आई जी तहसीन जी चलो म्यूट हो गया बुशरा जी आप बताइए जी जी बुशरा जी जी इसका ये मतलब है कि किसी इलाके के लोग जो चीज खाते हैं जो उनके हाँ रवाज है वही दिया जाएगा ठीक है अगर कोई जौ खाता है कोई बाजरा खाता है उनके यहाँ गंदुम होती नहीं गेहूं होती नहीं तो उसको वो देना है ठीक है 155 जो मसला है उसमें है कि हजरत अबू सईद रजी अल्लाउ फरमाते हैं कि हम सदका फितर एक सा गला या एक सा जौ या एक सा खजूर या एक सा पनीर या एक सा मुनक्का दिया करते थे ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो रवाज है आप वही दें अगर आप बहुत ऑफ हैं साहेब इस्तात हैं मालदार हैं तो आप अच्छी चीज भी दे सकते हैं ठीक है जैसे खजूर महंगी आती है ना आटे के मुकाबले में गंदम के मुकाबले में चावल जौ के मुकाबले में तो वो दे दें ठीक है अगला मसला है वन फिफ्टी सिक्स सदका फितर अदा करने का वक्त आखिरी रोजा इफ्तार करने के बाद शुरू होता है लेकिन ईद से एक दो दिन पहले अदा किया जा सकता है फिर आप ये जरूर कह दें उनको कि इन अगर आप फर्ज करें उसको कोई सौदा लेके दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं कि सौदा ही लेना है खाने पीने का सामान ही लेना है तो उसे ये कह सकते हैं कि ये ईद के दिन तुमने इन चीजों का इस्तेमाल करना है ताकि ये वो दिन ऐसा ना हो कि उस दिन कुछ ना हो पकाने के लिए पैसे ना हो और सामान ना हो एक्सक्यूज हाँ, मी जी 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 सवाल है कि ये मतलब ये सदका फितर जैसे हम दो तीन दिन पहले दे देते हैं उससे तो, तो, तो उस तरह नहीं देना चाहिए आखिरी रोजा इफ्तार करने के बाद देना चाहिए जी अफजल तो यही है लेकिन अगर आपको लगता है कि रोजा इफ्तार करके तो मुझे कोई भी नहीं मिलेगा किसको मैं दू कोई नजर में ही नहीं कोई आपके आगे पीछे नहीं है कि आप उसको पकड़ा दें सब अमीर लोग रहते हैं या कोई ऐसा नहीं है लेने वाला है आगे आप आ, आपने पढ़ तो लिया ऑलरेडी पहले से जो जक़त के मुस्तक होते हैं उन्हीं को दिया जाता है ठीक है बल्कि जक़ात भी ज्यादा मतलब जैसे जक़त तो हमारे जो मुलाजिम है वो नहीं देते है ना गरीब लोग नहीं देते हैं लेकिन ये गरीबों को भी देना है सद का फितर तो अगर आपको लग रहा है कोई भी नहीं है तो फिर आप दो दिन पहले दे सकते हैं तीन नहीं यहाँ पे दो दिन का ही जिक्र है एक या दो दिन ठीक है एक दिन पहले दे ले सही है क्योंकि अक्सर जो होते हैं वो फिर कहते हैं जी हम छुट्टी जा रहे हैं वो एक दिन पहले ही छुट्टी चले जाते हैं दो दिन पहले तो जब जाने लगे तो आप उनको दे दें लेकिन उनसे उनको पक्का कर दें कि देखें इनसे आपने ईद के, के दिन के का सामान ही खरीदे तो ज्यादा बेहतर है ठीक है? है ये के लिए हो जाएगा अगला मसला है सदका फितर घर के सरप्रस्त को घर के तमाम अफराध बीवी बच्चों और मुलाज़मों की तरफ से अदा करना चाहिए तो ये भी फिर जिम्मेदारी है कि मुलाज़मों की तरफ से दे दें क्योंकि देखें वो गरीब लोग होते हैं ना उनको देने की आदत भी नहीं होती उनको सिर्फ लेने की लेने की आदत होती है ठीक है ना जो बहुत गरीब है मैं उनकी बात कर रही हूँ फर्ज करें हमारे घर कोई सफाई करता है कोई बर्तन धोता है या इसी तरह कुछ और तो आप जरूर दे दें दें फिर वो भी दे ठीक है है ना क्या ख्याल है? अच्छा मैम मैंने पूछना था जिस तरह हम मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने उससे पहले हम सदका सदका फितर दे देते हैं लेकिन वो तो जब नमाज दो तीन चार जमाती होती है उसके पास इकट्ठा होता है उसके बाद वो कहा भेजती है ये तो हमें नहीं पता लेकिन वो फिर जाते हैं हाँ नहीं होता ना इसीलिए <laughs> तो आपकी तरफ अदा हो गया ना आपने तो दे दिया निकाल दिया ना ठीक है ना? जी, जी, जी। आपका तो अदा हो गया आपने दे दिया लेकिन बस ये चीजें फिर आ जाती है ना बीच में अगर आपको होता है कि नहीं नहीं उस दिन जरूर इससे कोई ना कोई अपनी ईद अच्छी करे तो फिर एफर्ट्स तो करनी पड़ती हैं क्या ख्याल हाँ, है जब आप हाँ जब आपकी नीयत बहुत खैर वाली होती है आपके अंदर बड़ा इस चीज का शौक और जज्बा होता है कि उस दिन किसी की ईद मेरी वजह से अच्छी हो जाए ठीक है ना ठीक है सही तो थीक अगर थीक ये शौक और जज्बा होगा तो फिर तो आप जरूर कोशिश करेंगे और अपने हाथ से ही किसी को देकर पक्का करेंगे या सौदा ही लेकर दे देंगे ठीक है ना जैसे आपने अपने घर के लिए चिकन मंगाई ईद के दिन जो अच्छी अच्छी चीजें आप पकाते हैं सवैया पकाते हैं और शीर खुरमा जो भी चीजें लाते हैं उसके लिए तो चावल लाते हैं आजकल चावल भी शायद महंगे हैं ना अच्छी क्वालिटी के चावल जो अपने लिए लाते हैं वही उनके लिए भी सारा एक पैकेट सा बना के मंगा लें और उनके घर भिजवा दे जैसी रोजा खोलें क्या ख्याल है अच्छा आइडिया <laughs> अभी जी, अभी जी, आया आइडिया मुझे ठीक है <laughs> ना ऐसा किया जा सकता है ना सर प्राइज देना चाहिए सरप्राइज देना चाहिए और वही वही कुछ वो खाएं जो आप खाएंगे अगर आप अपने शीर खुरमा में बादाम ये वो जो कुछ लवाजमात डालते हैं जितने अपने लिए ले रहे हैं उतने उनके लिए भी ले लें या ऑलरेडी घर में है तो उसमें से निकाल दें तो आपको खुशी होगी कि जो मैं आज खा रही हूँ सारा दिन हम खा रहे हैं वो 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 भी यही कुछ खा रहे हैं हाँ, हाँ। आप घर के कम लोग हैं वो ज्यादा है तो अब ये तो नहीं ना कि वो कहें कि आप पकाएं ये तो हमारे दो लोगों को पूरा होगा बाकी तो भूखे रहेंगे तो फिर उनके हिसाब से पता करके पूछें कि भी कितने लोग हैं घर के चिकन उनके हिसाब से ही भेजें फिर है ना ये फिर, आ, करना पड़ेगा चलें जी ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया नहीं एक रह गया एक हदीस रह एक मसला रह गया अच्छा हाँ वो यही वाला है कि हजरत नाफ़े रजी अल्लाह अनु से रिवायत है कि इब्ने उमर रजी अल्लाह घर के छोटे बड़े तमाम افراد की तरफ से सदका फितर देते थे के मेरे बेटों की तरफ से भी देते थे और इबन उमर रजीमा उन लोगों को देते थे जो कबूल करते और ईद उल फितर से एक या दो दिन पहले देते थे चले क़राम का ये भी तरीका रहा है एक दो दिन पहले भी देते थे ताकि वो आराम से शॉपिंग कर सके ना अब अगर आपने देखे चीजें लेकर देनी है फिर तो कोई मसला नहीं है वरना चांद रात को तो लोग मेहंदी लगवाते हैं इतनी चूड़िया पहनते हैं कोई और जूते खरीद रहे होते हैं उस दिन मुझे नहीं मालूम चिकन गोश्त ये चीजें मिल रही होती हैं कि नहीं आ, क्या ख्याल है मिलती हैं थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती है मिल जाती हैं तो देख लीजिएगा उसके हिसाब से जी कुछ कहना है जी जहरा जी ठीक है जी अगला हमारा टॉपिक टॉपिक है सलातुल ईदैन दो ईदों को ही ईदैन है, कहते हैं ठीक है, है? दबाज ईदैन के मिसाइल इसमें दोनों ईदों के ठीक है ईद फितर ईद अजह दोनों के मिसाइल जो है उन पर बात होगी मसला 158 है ईद के रोज गसल करना खुशबू लगाना

हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहुमा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला रे इस रोज इस रोज से क्या मुराद है? जुम्मे, है जुम्मे का दिन ठीक है जुम्मे का दिन जी बेशक अल्लाह सुभानहू ताला ने जुम्मे के दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है लिहाजा जो शख्स जुम्मे के लिए आए उसे चाहिए कि गुसल करे अगर खुशबू मयसर हो यानी खुशबू हो उसके पास तो वो भी लगाए और मसवाक भी करे जिससे क्या समझ आई देखिये अगर जुम्मे वो जुम्मे हाँ जी जी कहिए जुमे वाले दिन एक बहुत ही अच्छा दिन होता है उसके गुसल करना चाहिए मसवाक करनी चाहिए खुशबू लगानी चाहिए अल्लाह की खुशबूती इसी में ही है तो आपको ये जी जी आपको ये तो ख्याल ये। तो आ रहा होगा कि मसाइल तो ईद के हैं और या जुम्मे का जिक्र हो गया है तो जुम्मे के जुम्मे को क्योंकि ईद का दिन कहकर हदीस में ये है ना कि जुम्मे का दिन क्योंकि मुसलमानों के लिए ईद का दिन है तो इससे उन्होंने ये चीज निकाली कि जब जुम्मे को ईद कह दिया तो ये सब काम करने को कहा इसका मतलब है ईद के दिन भी ये सब करना है इस तरह से हदीस को ने माजा ने यहाँ पे कोट किया है मतलब यहाँ पे उसको उस हदीस को कोट किया गया है ठीक है जी ये हो गया अगला मसला है ईद के रोज अच्छे कपड़े पहनना मुस्तहब है पसंदीदा है अनिबनी रसूल यल बसु यौमी बुरदा ए रवा तबरानी हजरत इबन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद के रोज सुर्ख धारियों वाली चादर पहना करते थे कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे क्या पता चला कुछ स्पेशल पहनना चाहिए नया बेशक ना हो अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता नहीं खरीद खरीद सकता लेकिन साफ सुथरे धुले हुए कपड़े होने चाहिए ठीक है और अगर आपके पास कोई अच्छे जैसे ये सुरख रंग का जिक्र है ईद की नमाज के लिए जाने से पहले मीठी चीज खाना सुनत है अच्छा और किस तरह खानी चाहिए आगे बताया जा एक, रहा है जी बिल्कुल जी जी बताइए एक तीन पांच और सात जी ताक तादाद में ईद उल ईद उल फितर के दिन खजूरे खाए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसोल्लाजूर ताक खाते थे ताक वही जो आपने बताया है इसे बुखारी ने रिवायत किया है अगला मसला है ईद उल उजह के रोज अपनी कुर्बानी का गोश्त पका कर खाना और इससे पहले कोई चीज ना खाना मुस्तहब है जी इससे क्या समझ आई क्या चीज खाएंगे जो जल्दी पक जाएगी आपकी कुर्बानी में से कलेजी बिल्कुल बिल्कुल कलेजी जल्दी पक जाएगी ना तो सबसे पहले निकल भी जाएगी और पक भी जाएगी एक तरह का रोजा ही होगा ना सुबह से आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब जानवर जबा हो तो फिर खाया जाए जी कोई सवाल यहाँ काफी सवाल पूछे जाते हैं इसलिए मैंने कह दिया कोई सवाल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चले जी अगला है वन सिक्सटी टू ईद बस्ती से बाहर खुले मैदान में पढ़ना सुनत है और अगर मैदान ना हो खुला तो फिर ठीक है मस्जिद में भी वो लगा लिए जाते हैं शहर में टेंट वगैरह और वहां पे भी हो जाती है नमाजी ईद के लिए खातिन को भी ईदगाह जाना चाहिए जी और बल्कि हदीस में क्या है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों ईदों के दिन हम हैस वाली और पर्दा नशीन तमाम औरतों को ईदगाह मिलाएं में अतिया से रिवायत है कि उन्हें हुक्म दिया गया था रसुल्लम की तरफ से ताकि वो मुसलमानों के साथ तबास और दुआ में शिरकत करें अलबतः हैज वाली औरतें नमाज ना पढ़ें अच्छा नमाज ना पढ़ें अगर मस्जिद है ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं अगर औरतों का जैसे हमारे यहाँ मस्जिद में औरतों का पोशन ऊपर है सीढ़ियों से औरतें ऊपर चली जाती हैं सामने नीचे हॉल में मर्द नजर भी आते हैं मुफ्ती साहब भी वो नमाज पढ़ रहे हैं अगर कोई पहली सफ में है तो तो ऐसे में औरत जा सकती है हैज़ वाली ईद की नमा, नमाज तो नहीं पढ़ेगी मतलब दुआ में शरीक होने के लिए सकती। नहीं नहीं इसमें नहीं जा सकती इसमें नहीं जा सकती नहीं इसलिए देखे मैंने आपसे कहा कि ये मैदान नहीं है कोई लॉन भी नहीं है हॉल वो मतलब सहन भी नहीं है सीढ़ियों से ऊपर जाना है जो कि एक बड़ा सा हॉल है एक नीचे हॉल के ऊपर नीचे का हॉल बहुत ही बड़ा है कि वो आपको एक दीवार पूरी शीशे की है उसमें से हमें सामने मर्द नजर आते हैं अगर पहली सफ में खड़े हो जाए ठीक है ना तो वहां तो जैसे ही आप सीढ़ियों से एंटर होंगे वो पूरी पूरे हॉल में जा नमाज बिछी हुई है तो वो कहाँ औरत कहाँ जाएगी ना तो ऐसे में नहीं हाँ खुला मैदान हो तो फिर और बात है फिर दुआ में शामिल औरतों को हैज वाली औरतों की बात हो रही है ठीक है ठीक है अगली हदीस है हजरत बिन उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पैदल जाते और पैदल ही वापस तशरीफ लाते थे हाँ अगर दूर है तो फिर ज़ाहिर है गाड़ी में जाए ठीक है गाड़ी दूर पार्क कर दें थोड़ा चल भी लें ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए ये भी किया जा सकता है ईदगाह जाते हुए बसरत तकबीरें पढ़नी है ठीक है और हजरत जी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अनहुमा ईद के दिन सुबह सुबह सूरज निकलते ही ईदगाह तशरीफ ले जाते और ईदगाह तक तकबीरें कहते जाते यानी रास्ते में तकबीरें पढ़ते फिर ईदगाह में भी तकबीरें कहते रहते यहाँ तक के इमाम खुतबे के लिए मेंबर में बैठ जाता तो तकबीरें पढ़ना छोड़ देते जी तकबीरें कब तक पढ़नी है क्या समझ आई जब तक इमाम शु, नमाज शुरू ना कर दे उससे पहले तक पढ़ते हैं जी जब तक वो आ, मिंबर पे ना बैठ जाए ठीक है पे ना जी जी जब तक वो मिंबर पर ना बैठ जाए ये दो एक दो लोगों ने हैंड रेस किया है, मैं जरा उनको अनम्यूट कर लू कुछ पूछना होगा शायद ये हो नाहिदा जी का नंबर नहीं अनम्यूट हो रहा नाहिदा जी रुबीना जी का मैंने कर दिया है जैसमिन जी का है रोशन इखलास जी और ठीक है जी कुछ पूछना है ये इनका आप कीजिए जकिया जी, जी ये नाहिदा सदीकी जी हैं इनका आई अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा चलें जी अच्छा जी अगली हमारी हदीस है ये हो गया ना ईद उल के मौके पर तशरीक के तमाम दिनों में कसरत से तकबीरें कहनी चाहिए अयाम तशरीक कौन कौन से होते हैं बताइएगा जी रोशन तेरह जी ग्यारह बारह तेरह तेरह तक तकबीरें पड़ी जाती है ग्यारह बारह तेरह ग्यारह बारह बिल्कुल सही ग्यारह बारह तेरह की असर तक बिल्कुल ठीक कहा आपने फिर अगला हमारा है हाँ इसकी तरगीब ही देनी चाहिए तकबीरें पढ़ने की हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजीम तशरी के तमाम दिनों में बाज़ों के बाद अपने बिस्तर पर अपने खेमे में अपनी मजलिस में चलते फिरते तकबीरें कहा करते थे अब हम औरतों को तो बहुत आवाज से तकबीरें देनी मना है तो हम अपने मर्दों को अपने बच्चों को बेटों को भाइयों को शोहरों को ये चीज़ कह सकते हैं कि थोड़ी आवाज में पढ़ें ताकि दूसरों को भी

और उसके साथ साथ आप मोबाइल में भी तकबीर लगा के टाइमिंग्स सेट कर लें घर में ताकि जब वो तकबीर चले तो सबको ख्याल आ जाए ठीक है ना ऐसा भी किया जा सकता है अगला मसला है ईदेन की दबाज तखिर से पढ़ना ना पसंदीदा है जल्दी पढ़नी चाहिए दोनों ईदों का जिक्र हो रहा है वो अलग बात है कि दोनों को जल्दी पढ़ना चाहिए लेकिन ईद अज पर बहुत ज्यादा जल्दी पढ़नी चाहिए उसकी भी एक हिकमत है हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रजी से रवायत है वो खुद ईदुल्फितर या ईद उजह की रबास के लिए लोगों के साथ ईदगाह रवाना हुए तो इमाम के देर करने पर ना पसंदीदगी का इजहार किया और फरमाया हम लोग तो उस वक्त नमाज पढ़कर फारिग हो जाया करते थे और वो इशराक का वक्त था ठीक है यानी इशराक के वक्त ही फारिग हो जाते थे ईद अजहा पे क्यों ज्यादा जल्दी करनी चाहिए क्योंकि उसके बाद कुर्बानी कुर्बानी होती है। होती है, है उसके बाद। हाँ और इंतजार कर रहे होते हैं लोग हम अपनी ही कुर्बानी का गोश्त खाएंगे तो एक तरह से रोजे से ही होते हैं ना? ठीक है जी ये वजह भी है और सुबह सुबह ये सब काम हो जाए फिर अगला मसला है 171 सेवन वन ईद अजहा की दबास जल्द और ईद की नमाज निस्पतन देर से पढ़ना मसरून है नस्बतन है ठीक है वरना दोनों को जल्दी ही करना है लेकिन ठीक है आप लोगों ने बता दी 172 खुले मैदान में, में नमाज पढ़ने के लिए सुतरा का एहतमाम करना चाहिए ये तकरीबन ये जो बड़ी हमारी होती है ना अः डेढ़ लीटर वाली बोतल उतनी ऊंचाई होनी उतनी कमस कम अज कम ऊंचाई होनी चाहिए सुतरे की वो सामने रखा जा सकता है जी ईद फितर और ईद अज़ा की नमाज़ दो दो रकत है ठीक है ये दे? तो आपको मालूम ही है तुमर बिन खताब रजी अन्हु कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ईद अज़ा की नमाज दो रकत है फितर की नमाज़ दो रकत है मुसाफिर की नमाज दो रकत है जो मैं की नमाज दो रकत है और ये मुकम्मल नमाज है कम नहीं ठीक है ये चीज क्लियर होगी कुछ पूछना है अब हमारी अगली हदीस है 174 के जमात से पहले नमाज ईद में जमात से पहले अजान भी नहीं होती कामत भी नहीं होती ठीक है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हजरत जाबिर बिन समरा रजी अला कहते हैं मैंने वसल्लम के साथ एक दो मरतबा नहीं कई मरतबा ईदैन की नमाज अजान और इकामत के बगैर पढ़ी ये दलील है ठीक है जी अगला मसला है हमारा ईदैन की रबास में पहले रबास और फिर खुतबा देना मसनून है जुमे की नमाज में क्या होता है बस यहाँ उसका उल्ट होता है रसुल्लाजरतर बा रसुल और रजी नमाज से पहले अदा करते थे ठीक है जी जुमे की रबास में रबास से पहले खुतबा होता है ठीक है जबकि ईद की रबास में खुतबे खुतबा बाद में होता है और रबास पहले पढ़ी जाती है वन सेवन कोई सवाल पूछना है जी ये रुबीना जी का हैंड रेज है जी रुबीना जी कुछ पूछना है आपने जी इसके बारे में नहीं है क्वेश्चन लेकिन लास्ट में अभी आप कंटिन्यू कर रही थी इसलिए मैंने बीच में पूछा नहीं 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 पूछे जरूर पूछे आप पूछ लें वो आपने जैसे बताया ना कि कुर्बानी के दिन सुबह से कुछ खाना नहीं और फिर वही खाना है कुर्बानी होने के बाद या तो कलेजी जल्दी बन जाती है तो क्या जी। उसके अलावा कोई और चीज़ क्या वो जो बल, मतलब जो कुर्बानी होती वही खाना जरूरी है कि कुछ और भी खा सकते हैं नहीं बस यही है सुनत में यही मिलता है और नहीं खाएंगे तो गुना तो नहीं होगा अलबत सुनत पर अमल नहीं होगा लेकिन गुना बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई बीमार है वो नहीं इतना सबर कर सकता तो या अक्सर मसला पता क्या होता है कि जी कसाई जो है ना वो कहता है जी मैं तो आऊंगा ही शाम में फिर क्या करेंगे आप बताइए फिर क्या करेंगे नहीं, तो हमारा हमारा ये पूछने का ये मतलब है कि आ, उत, मतलब जब तक कुर्बानी हो रही ठीक है लेकिन नॉन वेज न, वो नहीं खाना है आ, कुर्बानी का जो गोश्त है वो कुछ और खा सकते हैं क्या जो नॉन वेज है वो ना खाए नॉन वेज का खाए आपने मुझे ऐसे तो हाँ, हाँ। के बाद फिर वही खाना जरूरी 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 है रूड़ी रूड़ी है कलेजी है कि ये नहीं नहीं कलेजी कलेजी उसका गोश्त खा लें गोश्त को जो नॉन वेज है वो कलेजी खाते हुए उसको परेशानी हो गोश्त खा सकता हो है ना या वो कुछ भी नहीं खा सकता नहीं मतलब जैसे जल्दी अगर हो गई सुबह तो इतनी सुबह सुबह वो नहीं दस ग्यारह बजे तो अगर कुछ ऐसे और दूसरा कुछ खा ले तो कि वो वही जो कर जो जितना बर्दाश्त कर सकता है उतना वो कर ले जो नहीं हो सकता तो आ, वो तो अल्लाह ने भी रुख्सत दी हुई है ठीक है ना तो अल्लाह को मजबूरियां पता है अगर किसी का ऐसा मसला है वो सुबह सुबह नहीं खा सकता खाएगा तो उसको वॉमिट हो जाएगी तो वो कोई नहीं अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरा दिल तो बहुत है सुन्नत पर अमल करूं लेकिन कोई कोई मसला नहीं है ये नहीं है कि भी हर सूरत में जबरदस्ती खिलाना है खिलाना है इसलिए हम कुर्बानी, हम कुर्बानी हम कुर्बानी अक्सर इस तरह करते हैं कि जैसे हम लोग गरीबों को सारा अपने नाम की कुर्बानी गरीबों को बांट देते हैं सारे का सारा गोश्त ना हमारे घर गोश्त आता ही नहीं मतलब आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा ना कि कुछ अपने घर भी कर लिए कुछ जानवर हमने इस तरह से कर लिए तो उनका तो गोश्त या कभी घर में कोई एक दो लोग कर रहे हैं सोचा हाँ वही बहुत है मैं अपनी कुर्बानी आज फलाने उधर कर देती हूँ जहाँ गरीबों को दूर दूर गाँव वगैरह में जाकर बांटा जाता है तो वो गोश्त तो फिर आप तक नहीं पहुँचता ना तो आप नियत करके जैसे घर में और एक दो लोगों की हो रही है आपके हस्बैंड कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं तो उसी को खा लें ये नियत करके क्या नाम मिया मेरी तो मजबूरी है और इसी को कबूल कर ले सुनत पे अमल मैंने कर लिया वैसे मैं ये एक वो दे रही हूँ करते हैं हम लोग आगे <laughs> कोई इसके बारे में तो कोई हदीस नहीं है लेकिन आप अल्लाह को मजबूरी बता के कुछ भी कर लें मजबूरी बता के ठीक है ना तो फिर अल्लाह हो सकता है अजर पूरा दे दे वो तो आपको अल्लाह का मामला है ना क्या ख्याल है ठीक है न जी इसी तरह किसी का ये इशू है तो वो भी अपने हिसाब से कर ले पहले अपनी सेहत देखे फिर ये कोई इतना बड़ा जरूरी नहीं है कैसे जरूर करना है अच्छा जी हम हमारी कौन सी थी वन सेवनटी सेवन हो गई ना नहीं वन सेवनटी सेवन अभी ठीक है चलें इसको दोबारा देख लेते हैं रजिया के साथ अब्दुल्ला बिन उमर ने जो है वो वो उनके साथ थे उन्होंने कहा ईद उल फितर और ईद उल दोनों की नमाज पढ़ी उनके साथ मिलकर हजरत अबू हुरैरा ने पहली रकत में किरास से पहले सात तकबीरें और दूसरी रकत बेरा किरास, किरास से पहले पांच तकबीरें पढ़ी ये ईद की नमाज का जिक्र हो रहा है ठीक है जी टोटल बारह तकबीरें पढ़नी है हर तकबीर में हाथ उठाने हैं ठीक है और किरास से पहले जो है वो सात तकबीरें पढ़नी है और दूसरे में भी किरास से पहले दूसरी रकत में भी पांच तकबीरें पढ़नी है ठीक है वो हर मस्जिद में वैसे थोड़ा मुख्तलिफ भी होता है आपको मैंने सात पांच बताया इस किताब के हिसाब से हो सकता है आप जिस मस्जिद में ईद की नमाज पढ़े अः वो पता नहीं हनफी की हो किसकी हो तो वहां पे थोड़ी तादाद मुख्तलिफ हो तो आपने इमाम के साथ ही चलना है जो वो जितनी तकबीरें वो पढ़े आपने भी उतनी पढ़नी है कुछ पूछना है इस बारे में कुछ सवाल जैसमिन जी का हैंड रेज है उनको भी अनम्यूट कर दीजिए हो गया जी 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 ये जो नाहिदा जी हैं वो एक्चुअल में में के बारे पूछ जी जी पूछिए पूछिए ना और जैतून और अनार भी क्या दिया जा सकता है वो ये दिया जा, जा सकता है ये तो बड़ी खुशी से दिया जा सकता है इससे अच्छा क्या सब सबका फितर होगा हमारे मुल्क में तो बहुत महंगा मिलता है इसलिए हमारे यहाँ तो नहीं दिया जाता आप किस मुल्क में हैं जी मैं तो इंडिया से हूँ लेकिन वो कब से कोशिश कर रही है मगर उनका हो नहीं रहा ठीक है तो उनसे कहें, जरूर दें, दें। वो वो दे जैतून लेकिन ऐसे को को जो खा भी लें क्योंकि मुझे याद है एक दफा मैंने अपने घर में किसी मासी को जैतून दिया तो उसने कहा ये क्या है कड़वा सा खराब सा हाँ <laughs> आदत भी तो हो ना खाने वालों को क्या ख्याल है ठीक है ना उसके बराबर की रकम दी जा सकती है उसके बराबर की रकम दी जा सकती है बहुत प्यारी बात कही आपने या उनकी पसंद की कोई और चीज दी जा सकती है चॉइस भी पूछ पूछ लें देने से पहले पूछ आप जैतून शौक से खाते हैं हो सकता है वो कहे वो क्या चीज है उसको कैसे खाना है हमारे मुल्क का मैं अपने मुल्क का बता रही हूँ आपका मुझे कोई आइडिया नहीं है हमारे मुल्क में जैतून नहीं मिलता बहुत कम मिलता है फ्रेश नहीं मिलता पता नहीं कहीं मिलता हो मेरे नॉलेज में नहीं है ये, ये, वो इंडिया में, में ये में डलावा या टिन में डलावा या ऑयल में डलावा मिलता है ये, ये, और वो बहुत महंगी बॉटल होती है हम तो सिर्फ पिज़्ज़ा में ऊपर डेकोरेट करने के लिए ही लाते हैं और है, तो है, उसके अलावा नहीं लाते <laughs> ऐसे खाने का रिवाज नहीं है हमारे यहाँ क्योंकि महंगा बहुत होता है ठीक है जी तो लगाई आपकी जी चले जी अगली अः हमारी अगली इससे अगली हदीस है 178, मसला 178. नहीं 177 रह गया है नबाज ईद की जायद तकबीरों में हाथ उठाने चाहिए जिस तरह मैंने बताया ना बारह तकबीरें ठीक है तो बारह में हर तकबीर पे जिस तरह रफा रफाइयाद करते हैं उसी तरह हाथ ऊपर उठाएंगे आप हजरत वायल बिन हुजर, रजी हुआ से रिवायत है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तकबीर के साथ हाथ उठाते थे फिर अगला वन सेवेंटी एट मसला है दबाज ईदैन की दो रकतों में से पहली रकत में आला और दूसरी रकत में बे गाशिया पढ़ना मुस्तहब है ठीक है जी पहली रकत में आला और दूसरी रकत में गाशिया ये हो गया फिर अगला वन सेवनटी नाइन दबाज ईद से पहले या बाद कोई नफल या सुन्नत नमाज नहीं इसके बारे में कुछ पूछना है आपने क्या ख्याल है इसका ये मतलब है तहजुद ना पढ़ो ये मतलब तो नहीं है इसका कहीं कोई ये तो नहीं समझा चले जी नहीं समझा ठीक है जी आगे चलते हैं इसका मतलब ये है कि जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आप आ, मस्जिद के जो दो रकात पढ़ते हैं ना तहतुल मस्जिद वो आपने नहीं पढ़ने ठीक है जाके मस्जिद में बैठने से पहले दो रकात नमाज पढ़ी जाती है ना फर्ज वो नफली नमा नफली दो रकात पढ़ी जाती हैं वो आपने नहीं पढ़नी और उससे आप अगर आधी रात को उठ के अपने टाइम पे तहजुद पढ़ रहे हैं तो वो तो पढ़े जा सकते हैं लेकिन इस नमाज से फौरन पहले या फौरन बाद नफिल नहीं पढ़े ठीक है वन एटी ईद के बाद व कबूल करें हमारी तरफ से और आपकी तरफ से ये अल्फाज एक दूसरे को की कबूलियत दुआ के तौर पर मांगना दुरुस्त है ठीक है ये मसनून है सहाबा सहाबाक राम रजिया ईद के रोज आप जब आपस आप आप में मिलते आप तो आप तारे एक दूसरे को तकबल अल्लाका की दुआ दिया करते थे जी बसला नंबर वन एटी वन ईदगाह जाने और आने का रास्ता बदलना सुनत है अगर आप पैदल जा रहे हैं तो जाते हुए एक रास्ता होना चाहिए और वापसी के वक्त दूसरा रास्ता होना चाहिए रास्ता बदलना चाहिए क्यों बदलना चाहिए क्या ख्याल है फरिश्ते दुआ करते हैं आपको जिस रास्ते से आते जाते हैं ठीक है जी फरिश्ते दुआ करते हैं और फरिश्ते दुआ करते हैं सही जी कुछ और देखिए आप तकबीरें पढ़ रहे हैं ना तो लोग सुन रहे हैं मुख्तलिफ रास्ता है आते हुए और जाते हुए और इधर आपने पढ़ी लोगों को तरगीब मिली उधर वापसी में किसी और रास्ते से और एक एक कदम जो है वो लिखा जाता है उसका अजर मिलता है ठीक है ना और आप लोगों को सलाम भी कर रहे हैं इधर और लोगों को सलाम किया उधर और तरह के लोग मिलेंगे उनको सलाम किया ठीक है और बताइए और भी होंगी वजूहात जी बताइए जी चलें यही काफी है अगला हमारा मसला है 182 अगर जुमे की रबास जुमे के जुमे के दिन ईद आ जाए तो दोनों पढ़ने बेहतर हैं ठीक है थीके? दोनों दोनों की जो न, वो होती है आप लेकिन ईद पढ़ने के बाद अगर जुम्मे की बजाय सिर्फ ज़ोहर अदा की जाए जहर की नमाज पढ़ी जाए वो उसका खुतबा जो होता है तो भी दुरुस्त है यानी अगर जुम्मे के दिन ईद आ जाए ठीक है दबास पड़ी जाए दोनों की तो खुतबा मर्जी है पड़े ना पढ़े किसका किसका खुतबा छोड़ा जा सकता है जुम्मे की नमाज का ठीक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे तो आज के दिन में दो ईदें एक ईद और दूसरा जुमा इकट्ठी हो गई हैं जो चाहे इसके लिए जुम्मे के बदले ईद ही काफी है यानी ईद का जो खुतबा है वो दोनों के लिए काफी हो जाता है लेकिन फिर भी अगर कोई कहे नहीं हमने दो खुतबे करने हैं एक जुम्मे की नमाज का और ईद एक ईद का तो ये भी किया जा सकता है लेकिन ईद का जरूर पढ़ा जाएगा खुतबा साल में एक दफा आती है लेकिन जुम्मे का छोड़ा भी जा सकता है ठीक है ये क्लियर हो गया मसला नंबर वन एटी थ्री अबर यानी बादल की वजह से शवाल का चांद दिखा दिखाई ना दे और रोजा रख लेने के बाद मालूम हो जाए कि चांद नजर आ चुका है तो रोजा खोल देना चाहिए शवाल का चांद कब नजर आता है रोजा रखने के लिए या ईद करने के लिए ईद करने के लिए ईद करने के लिए बिल्कुल क्योंकि शवाल के छह रोजे रखे जाते हैं ना जो कि ईद के, के फौरन बाद आते हैं अगले महीने में तो वो शवाल का महीना तो बाद में आता है शबान के बाद रमजान रमजान के बाद शवाल बिल्कुल ठीक अगर चांद की इतला जवाल से कबल मिले तो नमाज ईद उसी रोज अदा कर लेनी चाहिए ठीक है फर्ज करें रोजा रखा हुआ किसी ने अभी जवाल का वक्त नहीं हुआ यानी जोहर से पहले थोड़ा पहले जवाल होता है ना अभी वो वक्त नहीं हुआ और पता चला कि चांद तो नजर आ गया है यानी रोजा रखा भाई आपने तो अब क्या करना है रोजा तोड़ देना है और अगर देर से इतला इतला मिले फिर आपने नमाज नमाज ईद की नमाज भी पढ़नी है ठीक है और अगर जवाल के बाद इतला मिले तो फिर उस दिन नमाज नहीं पढ़नी ईद की वो जो खुतबे के साथ होती है वो फिर अगले दिन अदा करनी है ठीक है ये आपका म्यूट कर दीजिए प्लीज अगला मसला है 185 में है अगर किसी को ईद की नमाज ना मिल सके यानी कोई उजर हो कोई आगे लिखा हुआ या बीमारी की वजह से ईदगाह ना जा सके तो उसे दो रकत तनहा नमाज अदा कर लेनी चाहिए इससे आपने क्या सीखा ये बड़ी अहम बात हो रही है, हुई है। जी बताइए जी बुशरा जी रोशन जी आप बताइए रोशन इखलास जी अगर हम नमाज को ना जा सके तो और घर में हमारी मैं तो ये करती हूँ कि जैसे बहुत बच्चियां नहीं जा सकती तो हम सब मिलके एक छोटी सी जमात बना लेते हैं दो नमाजी करते बहुत जबरदस्त माशाल्लाह बारा कल्लाफी बिल्कुल सही करते हैं आप इससे अच्छी क्या बात है ये तब करना है जब आपके कोई मस्जिद ही नहीं है खुतिन का इंतजाम ही नहीं है या है तो लेकिन किसी वजह से आप लेट हो गए ठीक है तो ऐसा किया जा सकता है जी जकिया जी अब क्विज़ कर लें हमारा मुकम्मल हो गया है अलहमदल सवाल हैं ना आपसे आज क्विज भी है ना चलें जी पहला सवाल तैयार हो जाएं सब म्यूट अनम्यूट आप करेंगी जकिया जी आप ही कीजिएगा म्यूट अनम्यूट म्यूट ठीक है आप कीजिएगा जजाक जी पहला सवाल है सोम के शरा मानी क्या है शरीयत के हिसाब से सोम यानी रोजे के क्या मानी होते हैं जी आप ही म्यूट म्यूट कीजिए जो जवाब देना चाह रहे हैं रोशन इखलासी का हैंड रेज हुआ है आप जी रोशन जी जी सोम की शरी माने रोजे के यानी मानी की बात से रोकना रुक, अपने आप को हर उस बुरी बात से रोकना जिसके अल्लाह और रसूल ने हमको मना किया है बिल्कुल सही वो कौन कौन सी चीजें हैं रोजे की नियत भी कर ली ना अच्छा रोजे, की, रोजे की नियत, नियत कर, कर, कर ली से रुकना है रोजे क... आपने? जी जी, जी बताइए हर, बता हर बुरी बात से रोकना है बड़ी बड़ी चीजों से रुकना है ना जी रोज तीन दफा हम क्या करते हैं डाइनिंग <laughs> टेबल में कुछ करते हैं ना पहले बड़ी बड़ी चीजों से रुकना है रोजे की नियत करके किससे रुकना है सबसे पहले रोजे की नियत करके सबसे पहले खाने पीने से तो रुकना बिल्कुल सही खाने पीने से रुकना है और एक बहुत बड़ी चीज मना की गई है जो कि उस जमाने में दीवारें फलांग के वो लोग किया करते थे उस जमाने में रात को भी मना था सब कुछ जी और क्या चीज मना है शाबाश ये मना है फिर जो आपने रोशन जी कहा बिल्कुल रोशन जी आपने कहा बिल्कुल ठीक है, है की बातें करना या देखना या सुनना फाश करना क्योंकि रोजा रोजा सिर्फ खाने पीने का छोड़ने का नाम नहीं है रोजा इंसान के आंखों का जबान का हाथ का पैर का हर चीज का रोजा है हर चीज हमारे साथ देखने की रोज बिल्कुल तो जवाब निकाल दीजिए आप जवाब भी दिखाएंगी जकिया जी आंसर इसका जी ये आंसर है कि रोजे की नियत करके खाने पीने से रुकना अजवाजी की कायम करने से रुकना बेहयाई के कामों से रुकना नाफरमानी झूठ और गिबत से रुकना ये इसके शरीयत के हिसाब से सोम यानी रोजे के मानी है जजाक कसीरा रोशन जी अगला सवाल है सवाल नंबर दो क्वेश्चन नंबर टू रोजा फर्ज होने का हुक्म किन किन के लिए है फर्ज रोजा रखने और लुटाने का हुक्म किस किस के लिए है हाँ शाबाश क्वेश्चन ज्यादा अच्छा हो गया यानी फर्ज रोजा रखने और फिर लुटा भी सकते हैं ज्यादा लोग आएंगे जी बताइए ये जी नंबर टू नाम नहीं मेरे पास लिखा हुआ रहा अनम्यूट कीजिए हैंड रेज है जी अकील तो आकी, और रोजा रखने की ताकत रख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है uh, सही कहा आपने कि रोजा रखने और लौटाने का हुक्म किसके लिए है यानी वो फिर लौटा भी सकता है तो एक तो वो जिसको उनका भी जिक्र करें आप बहुत लोगों का जिक्र करेंगी जिन्होंने रखना है उनका भी जिक्र करेंगी और जो लुटा लें कोई बात नहीं ये हो गया मसला अब लुटाना है उन्होंने जरूरी लुटाना है उनका भी जिक्र करेंगी जी बताइए बताइए मैं मुकीम मुसाफर तंदुरुस्त हाइजा मरीज नफास वाली औरत ये लुटा भी सकती है ना बाद में शाबाश बेहोश होश होश पैकेज पाटीज और यानी मेंसिस्ट नहीं हो रहा है फिर भी उसको भी ठीक है बिल्कुल सही जवाब दिया माशाल्लाह बारक अल्लाहू फिक जी जवाब जकिया जी जवाब भी दिखा दीजिए यही जवाब है जो आपने दिया है वकीम मुसाफिर तंदरुस्त मरीज, निफ़ास, पाकिज़ा, बेहोश थोड़ा ऊपर कीजिए स्लाइड को वो उर्दू के नजर नहीं आ रहे जी आगे आगे ठीक है आप सब देख लीजिए अपना मोबाइल टर्न कीजिए फिर पिक्चर बड़ी हो जाएगी टर्न कर लीजिए मोबाइल को सही सवाल नंबर तीन है रोजा क़यामत के दिन अब आपने फिलिंग दी ब्लैंक करना है आपने खाली जगह को पुर करना है रोजा क़यामत के दिन रोजेदार की डैश करेगा क्या करेगा सिफारिश करेगा सिफारिश करेगा तो बिल्कुल सही माशाल्लाह किसने जवाब दिया है जी आप मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नाम बताइए नाहिदा नाहिदा जी बारिक अल्लाह बारिक अल्लाह फीक ठीक है जी अगला हमारा सवाल नंबर चार है क्वेश्चन नंबर फोर लैलतुल कदर आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है इसमें डैश के फैसले किए जाते हैं डैश क्या है किस चीज़ के फैसले, के फैसले किए की जाते की हैं सुनना की की बिल्कुल सही माशाल्लाह ठीक है तो जब तकदीरों के फैसले होते हैं तो इस रात हमने बिल्कुल भी इसका एक लमह भी जाया नहीं करना अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और बहुत ज्यादा अल्लाह को राजी करने वाले काम करने हैं मफरत की दुआएं मांगनी है हमारे प्यारे जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआएं करनी है अल्लाह ताला हम सबको और कबूल भी फरमाए अब आपने बताना है ये सही है या गलत है मैं एक फिक्र बोल रही हूँ ये है सवाल नंबर पांच क्वेश्चन नंबर फाइव इफ्तार से लेकर सुबह शादी के तुलू होने तक का वक्त रोजे की पाबंदी से मुस्तसना है ये सही है ये बात मेरी या गलत है सही सही है, आगा, है आगा, बिल्कुल सही माशाल्लाह आप लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया सवाल न... जी जवाब दिखा दीजिए दिखा दिया इन्होंने बात सही है आपकी नजर आ रहा है आपको सवाल नंबर छह रमजान का इल्म हमें किस किस तरह होता है रमदान का इल्म हमें तीन तरह से होता है एक तो हम खुद रमदान का चांद देख ले दूसरा जो शख्स चांद देख देख ले वो चांद देखने की गवाही दे और ऐसे शख्स की गवाही जो आकिल हो बालिग हो और मोतबर भी हो और तीसरा है शाबान से इनकी गिनती करना शुरू कर दें शाबान दे के पहले रोजे रखें और बाद के पंद्रह दिन ना रखें तो तीस दिन की गिनती हो जाती है और इस्लामी महीने तीस दिन से ज्यादा के नहीं होते नहीं होते माशाल्लाह आपका नाम क्या है रुबीना परवेज खान रुबीना जी बहुत अच्छा आपने जवाब दिया इतना डिटेल से और इतनी इजाफी चीजें भी डाली बारा कलाफीक जी आंसर ये देखें आ गया मेरी कितनी अच्छी है बहुत अच्छा जवाब दिया आपने नंबर एक चांद देख कर नंबर दो शहादत मिलने से कोई बता दे मैंने देखा शुरू कर जाए कर दी जाए उसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा पंद्रह दिन रोजे रखे जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत है हम लोग हम लो, मैं बस चाय दे रही हूँ की बच्चों को सबको लेके होटल जा रहे हैं फिर वहाँ से हम लोग कोने शरा ले जाएंगे मरियम के आने से पहले जो है अगला जकिया जी ये आ, देख लीजिए अच्छा अगला हमारा सवाल नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर सेवन सवाल नंबर सात दिखावे की नम नमाज क्या होती है दिखावे की नमाज जी किसी को देखकर लंबे नमाज ना पढ़ता हो जब कोई मैसेज आ जाए तो उसे दिखाने के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर दे वो तो वो है नम्त... दिखावे की नमाज दि... किस तरह पड़ जाती है अब ये दिखावे दिखा... की नमाज क्या कहलाती है मतलब वो दिखावे, आ, दिखावे मतलब की नमाज क्या है, है शिरक है क्या है दिखावे की ऐन... दिखावे की नमाज है कि, है। कि नमाज ना पढ़ता हो मगर मेहमान आए तो नमाज शुरू कर दे या कि सजदा करते हुए महसूस हुआ कोई देख रहा है तो सजदा लंबा कर दे बिल्कुल सही दिखावे की नमाज शिरीरा कहते हैं शिर के सगीरा है और दिखावे की नाम ना है है भी ना इसका दूसरा नाम शिरक है जी बिल्कुल शाबाश बाराकल्लाफी कुन्ना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर ये देखें लिखा आ रहा है कि है दिखावे की नमाज है है ठीक क्वेश्चन नंबर एट सवाल नंबर आठ कौन सी बातें नबुअत का अखलाक है ये रमजान से कंसान बातें बतानी है आपने कि रोजा कैसे जल्दी रखना है देर से रखना। के की तीन बातें हैं शाबाश रोजा जल्दी इफ्तार करना यानी सूरज होते ही रोजा खोल लेना बिल्कुल सही माशाल्लाह देर से खाना यानी फज्र के आजान से थोड़ा पहले ही शहरी से फारिग हुआ जाए कहा करें अजान नहीं कहें सुबह शादी कहते हैं क्योंकि अजान तो रमजान में ही सही होती है वो भी कभी नहीं होती सुबह शादी से पहले सुबह शादी कल इस्तेमाल करना शुरू थोड़ा बहरी सुबह शादी से थोड़ा पहले ही सहरी से फारि हुआ जाए और नमाज में आ, आ, कायम में सॉरी नमाज में कायम में आ, दाया हाथ बाएं हाथ के ऊपर बांधना बिल्कुल सही बारा कल माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया आपने जी नाम क्या आपका रूबीना जी रुबीना जी माशाला बारा कल ये जवाब ठीक है आंसर आ गया आंसर देख लीजिए आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सवाल नंबर नौ क्वेश्चन नंबर नाइन का वक्त ईशा के बाद कब तक, तक रहता है फजर तक, फजर, फजर से, फजर तक तक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे जी जवाब दिखाइए सुबह तुलुए फजर, फजर लिखा है तुलुए फजर तक रहता है बिल्कुल से तुलुए फजर का एक और नाम भी है तुलुए सादिक सुपर सादिक तो कहते हैं और सही द सही, सही कहा आपने और जो सूरज निकलने वाला तुलु होता है उसे क्या कहते हैं तुलुए आफताब तुलुए आफताब वो बहुत देर देर हो जाती है वो नहीं तो आप जब रोजा बंद करते हैं खाना पीना खत्म करते हैं वो तलु फजर भी कह सकते हैं उसको सुबह सादिक भी कहते हैं दोनों नाम है उसके हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर दस। ये ना... नंबर गलत लगे हैं वैसे दस ही है ये जी हमारा सवाल ये है रोजों की रोखत नहीं नहीं ये नहीं पीछे ही... हाँ ठीक है रोजों की रुखत किन किन को है नंबर वन मुसाफिर को नंबर दो नंबर तीन वाली औरत को वो मरीज जो कभी भी दुरुस्त ना हो सके सेहतमंद ना हो सके बिल्कुल कलाफीक जी सही जवाब दिया आ, किसने जवाब दिया सबा सबा जी बाराफीक अल्हम्दुलिल्लाह सवाल नंबर ग्यारह आंसर देख लें आप बिल्कुल सही कहा आपने मुसाफिर को हामला को रुख्सत है दूध पिलाने वाली औरत को रुखसत का मतलब होता है दिल करे तो रखो हिम्मत है तो रखो मर्जी है तो रखो छोड़ दोगे तो गुनाह बिल्कुल नहीं है लेकिन बाद में लौटाना भी है ठीक है जी लौटाना जरूरी है सवाल नंबर हमारा ये भी आपने खाली जगह पूर्ण करनी है डैश की ये जरा मुश्किल लग रहा है मुझे डैश की कजा आइंदा रमजान से पहले पहले किसी वक्त भी दी जा सकती है <laughs> मुझे लग रहा था शायद ये थोड़ा मुश्किल है माशाल्लाह बारा कल्ला अगला हमारा है सवाल नंबर बारह क्या भूल चूक से खा पी लेने से रोजा टूट जाता है जी भूल रोजा, 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 रोजा नहीं रोजा नहीं टूटता और ना मकू हो जाता है नहीं मक्रू भी नहीं होता ना टूटता है ना मकरू होता है

बुखारी की हदीस है। बिल्कुल सही, ठीक है। सवाल नंबर तेरा है हमारा कि कौन से काम रोजे की हालत में नाजायज हैं और हदीस भी रो... बताएं। रोजा रखकर झूठ बोलने, बोलने के बारे में हदीस किताब में हदीस है गीबत करना, झूठ बोलना, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, बदरज़ा, उला, ना ना जायज हैं। हदीस है। जरत अब हर भी, तो आमा शराबा, है, से रवायत है के रसुल्लाम ने फरमाया जो शख्स रोजा रख कर झूठ बोलना और इस पर अमल करना तरक ना करेगा तो अल्लाह को इस बात की कोई हाजत नहीं कि वो खाना पीना छोड़ दे इसे बुखारी ने रिवायत किया है माशाल्लाह बारक अल्लाह फीक बिल्कुल सही आपने बहुत अच्छी हदीस भी बता दी अब आ सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सवाल नंबर चौदह ये जवाब देख लिया अच्छा दौरान ने रोजा यानी रोजे के दौरान रोजे की हालत में सोबत करने पर क्या हुक्म है रोजा बातल हो जाता है रोजे की कज़ा करना होगी हो और कफावरा भी करना होगा एक गुलाम आजाद करना होगा हो 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 या दो माह के मसल रखना होगी या साठ महताजों को खाना खिलाना होगा बिल्कुल सही तीनों में से एक काम करना है तीनों कट्ठे नहीं करने हैं बिल्कुल ठीक है अब मुझे मैं असल में इधर देख रही हूँ ना अच्छा दो ही हैंड रेज हुए हैं सही आप देख लीजिएगा जकिया जी हबारा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है सवाल नंबर पंद्रह नफली रोजे की फजीलत के बारे में हदीस बयान कीजिए हजरत अबू सयद रद्ला कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना है जिसने अल्लाह की राह में एक दिन दिन का रोजा रखा अल्लाह ताला इसे सत्तर साल में के बाद बराबर जहन्नम की आग से दूर कर देंगे माशाल्लाह बिल्कुल सही ए, लेकिन एक दिन का नफली नफली का लाभ डाल नफली रोजा रखा ये नफली रोजे के बारे में हदीस है ठीक है तो नफ़ली रोजे की देखें माशा कितनी फजीलत है और इस, उसकी क्या फजीलत है जरा उसकी भी बता दें फर्ज रोजे की आ, उसका अजर बता दें दिल, 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 उसका अजर क्या है ना। फर्ज, ना। रोजे का अजर। फर्ज रोजे का फ़र्ज़ तो देगा ना, ना।, ना। शाबाश बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक है आपने उसका अजर इतना बेहिसाब है कि वो, तो वो अल्लाह और बंदे के दरमियान अल्लाह उसका देने वाला है और बंदे के दरमियान होता है वो रोजा वो उस खालिस। तो देखिये सिर्फ अल्लाह को पता है ना कि अल्लाह वो बंदा वाकई उसने रोजा रखा हुआ है या छुप छुप के खा पी रहा है तो उसका अजर भी अल्लाह ही देगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको हम सबको बेहिसाब अजर दे और अल्लाह ताला हम सबकी मफरत फरमा दे रमजान में और अल्लाह ताला तब से राजी हो जाए आमीन अल्लाह आमीन अगला हमारा सवाल है सोलह सिक्सटीन सयाम तशरी ग्यारह बारह तेरह के रोजे की किसको इजाज़त दी गई है बताइएगा रोजा रखने की किसको इजाज़त है कौन किसको रोजा रखना है हमें जो हज नहीं करते जो फरीज़ नहीं, नहीं करते जो कुर्बानी की ताकत ना है कुर्बानी का ये किसने जवाब दिया है जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखते नहीं नहीं। ये सही जवाब है मैं नहीं जी नहीं यामे के वज़े की इस हाजी को इजाजत है जो कुर्बानी देने की ताकत ना रखता हो बिल्कुल बिल्कुल सही बाकी सबको रखना नहीं रखना क्योंकि खाने पीने के दिन है ना ठीक है इनमें कुर्बानी भी की जा सकती है तो जो कुर्बानी देने की ताकत नहीं रखता हज भी यानी दौरान हज ठीक है तो वो ये रखेगा सत्रह सवाल नंबर सेवनटीन एतकाफ डैश है क्या है सुनते मौके है सुनते मौके है बिल्कुल सही माशाल्लाह आप लोग तो बहुत अच्छी अब आप लोग सब एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में अपने फैमिली के लोगों को यही बुक पढ़ाए वीडियोस भी पोस्ट करें और उनसे भी देखें उनका तो पहला हक है ना ठीक है ना सवाल नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन अठारह कदर की रात इसको ललातुल कदर भी कह सकते हैं लेकिन ललातुल कदर की रात नहीं कहेंगे क्योंकि लैल ले, का मतलब बिल्कुल रात है तो की में कर तलाश करनी चाहिए रमजान में कब तलाश करनी चाहिए बिल्कुल आखिरी दस आखरी अशरे की, की ताक रातों में बिल्कुल सही कहा आपने माशाल्लाह अगला नाइनटीन क्वेश्चन है सदका फितर क्यों फर्ज है सदका फितर इसलिए फर्ज, फर्ज, फर्ज है क्योंकि हमारे जाने के जाने में जो गुनाह होते हैं जान में ये इसको साफ करने के लिए एक किस्म का कफारा है सही इसलिए तो तो फर्ज है क्योंकि हमारे जाने-जाने में जो गुनाह होते हैं रमजान में ये इसको साफ करता है ये, ये एक किस्म का कफारा है। बिल्कुल सही है आप जवाब भी पढ़ लें यही जवाब है माशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन डैश आपने फिलहि ब्लैंक करना है ईद की नमाज में कोई डैश और डैश दो आपने फिलिंदी ब्लैंक बताने हैं ईद की नमाज में डैश भी नहीं होता और डैश भी नहीं होता क्या दो चीजें नहीं होती ईद की नमाज में बिल्कुल अल्लाह 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 बारक की कुन्ना ताला आपको बेहतरीन खैर दे और आप सबको बहुत बहुत मुबारक भी हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्हदल्ला की तौफीक से ही हम सब मिलकर फिक्र सीख रहे हैं ठीक है ना और अल्लाह ताला आगे भी तौफीक दे अब किताबात शुरू हो रही है तो आप लोगों के ग्रुप में लिंक शेयर होगा प्लीज उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ठीक है और उसमें भी इसी तरह से हम इनशा ताला डिस्कशन किया करेंगे अल्लाह की तोफ़ी से आज आपको किताबु सयाम का कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं अल्लाह सुबहाना आपको दीन के अहकबात पर बेहतरीन अमल करने की तोफ़ी फरमाए आपकी सब कोशिशें कबूल फरमाए अल्लाह आपसे राजी हो जाए आपके लिए मजीद दीन का सीखना अमल करना और दूसरों तक इसका पहुंचाना जो है वो आसान फरमा दे अल्लाह आमीन आमीन, 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 आमीन।, 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 आमीन। देखिये सही आमीन। बुखारी में है मन ताला मल कुराना तुम में से अफजल बेहतरीन वो लोग हैं जो खुद भी दीन सीखे कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए तो बेहतरीन लोगों में तो शामिल होना है ना अभिया कर वाला काम तो इनशाला करना है ना अल्लाह तला हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले ये दुआ बहुत ज्यादा किया कीजिए और अल्लाह सन्ना जिस तरह हम यहाँ अल्लाह का दीन सीखने के लिए जमा होते हैं बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला हमें अर्श के सय के नीचे और जन्नतुल जनतरदोस में भी इकट्ठा करे इसी तरह, तरह हम हाथ पकड़ कर दाखिल हो अल्लाह ताला इस रमजान में हम सब से राजी हो जाए बख्रत भी फरमाए बहुत सारे नेकमाल करने की तौफीक अता फरमाए दौरे कुरान जरूर सुनिएगा उसके लिए भी यही जो आपका ग्रुप होगा ये बाद में इंशाल्लाह वो आपको वजीहा जी बताएंगी क्या करना है सर्टिफिकेट्स uh, सब आपको इधर ही मिलेंगे जकिया जी वो थोड़ा आप बताइए सर्टिफिकेट्स इधर ही देंगी ना फिर ग्रुप्स में भी देंगी उसका क्या तरीका है जी जकिया जी सर्टिफिकेट्स चलें वो आपको दे दिए जाएंगे अम्मा जी वो तो वजीहा जी बताएंगे वो ग्रुप्स में आपको दे दिए जाएंगे बन गए हैं सबके सर्टिफिकेट्स ये मुझे एल है अपना बहुत ख्याल रखिएगा कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए ये जो मैम ये दौरा कुरान है उसका टाइमिंग क्या है देखें YouTube के लिंक्स होंगे आप जब दिल करे सुन लें आपके ग्रुप में चला जाएगा टाइमिंग्स होंगे सुबह मेरे ख्याल 9:30 पाकिस्तान के या नौ या साढ़े नौ का टाइम हमने सबने मिलकर ये फैसला किया था लेकिन अगर आपको टाइम सूट नहीं करता बिल्कुल सुबह का टाइम साढ़े नौ मेरा ख्याल है अगर सूट नहीं करता तो आप कभी भी सुन सकते हैं इस दफा बहुत स्पेशल वीडियोस भी हम लोग बना रहे हैं और दौरे कुरान भी ऐसा होगा कि होगा कि कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं आप लोगों को घंटों देने पड़े ना शुरू के दो चार पारों में तो टाइम ज्यादा है उसके बाद और हर रुबा के बाद ना अमल के लिए क्या सीखा इस दफा मेरा फोकस इस पे था तो ये हम करेंगे कि हर रुबा के बाद अमल के पॉइंट्स जो है वो मैं बताऊंगी आप लोगों के लोगों को उसके लिए डायरीज बना लीजिएगा और जब दौरा कुरान मुकम्मल होगा तो पूरे कुरान में से क्या करना है क्या नहीं करना है एक आपके पास अहकाम की वो डायरी बन जाएगी इनशाला ठीक है ना थीक। और थीक। जरूर आपको बहुत पसंद आएगा इनशाला की तोीक से अल्लाह तब दे तो सुनने की और करने की अपना बहुत ख्याल रखिएगा कोई और सवाल मैं आपसे एक बात शेयर करनी चाहूंगी आपकी इजाज़त से जी दूर, दूर, दूर। दूर। जी रोशन जरूर जी ये, ये सदका फितर के बारे में सिर्फ एक शायद किसी को मेरी बात समझ में आ जाए ये जी अल्हमदिल्ला सदका फितर तो दे दिया जाता है मेरा बेटा मियाँ जो भी सब देते हैं मैं बस एक ही काम करती हूँ अल्लाह ने मुझे जो तौफीक दी मैं अपने पास से जो मेरी मासी है उसको देती हूँ कि ये सदका फितर तो तुम लोगों का दे दिया अब ये मैं तुमको दे रही हूँ तुम्हारे घर में जितने लोग हैं ग्रुप बनाओ और दाएं हाथ से शुरू करो कि ये मेरा सदका फितर है फिर वो अपने बराबर से कहे ये तुम अ, मेरा सदका फितर है उसको समझाती हूँ सदका फितर क्या होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी समझ में आ गया इस तरह घूमते घूमते तुम्हारे पास आएगा फिर तुमको जो जितने तुम्हारे साथ शरीक हुए उन सबको तुम कुछ लेके खरीद के खिला दो तो उसके भी दोबारा उसने पूछा कि क्या होता है फिर जो भी कुछ कमाते जेब से निकाल के देते हमारा सदका फितर है इतना <laughs> माशाल्लाह सही अलहमदिल्ला मतलब देखे क्योंकि हर एक पे फर्ज ना तो आपने उनको अच्छी तरगीब दी कि उनको जरूर जरूर देना ही देना है हमें देना चाहिए अच्छा आपका बहुत अच्छा आइडिया है क्या सब किसी को समझ न आई हो तो रोशन जी से पूछ लीजिए सबको समझ आ गई कोई हैंड रेज हुए हैं जकिया जी देखिएगा जी जकिया जी देखिएगा हेंड रेज है अदूर। अदूर। जी कुछ पूछना है रोशन जी से कुछ पूछना है क्लियर हो गया चले और कोई सवाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमें दूसरे से कितना कुछ सीख लेते हैं ना माशाल्लाह तो इस में भी जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व जी जी मेरा एक सवाल था, था मैं सुन नहीं सकी बीच में कि आपने बताया था कि अगर किसी का जानबूझ के फर्ज रोजा छोड़ा गया है तो उसका कफारा क्या है जानबूझकर छोड़ा गया हो जानबूझकर तो उसका कफारा वो नहीं है जो अभी हमने देखा सोहबत करने वाले का रोजे की हालत में ठीक है वो वाला बिल्कुल नहीं है रोजा लौटाना ही है लौटा भी दें कुछ सद का खराब भी कर दें कुछ अल्लाह से तोबा इस भी कर लें देखिये हमें जब इतनी हमें ये सब जो अभी हमने सब सीखा है एक दूसरे से पहले भी सीखा होता है लेकिन हर रमजान में हमें दोबारा से उसमें से गुजरना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीजें अमल में नहीं आ रही होती ठीक है ना तो जी। जब हम ये सब दोबारा से हमारा ये फ्रेश होता है तो हमें पता चलता है कि जिस जमाने में बिल्कुल भी इल्म नहीं था थोड़ा बात भी नहीं था तो नहीं। हम रोजों को इतनी अहमियत नहीं भी देते थे फर्ज रोजे को भी आराम से किसी के कहने पे छोड़ भी दिया करते थे कि हाँ हाँ तबीयत खराब है छोड़ो आज नहीं रखो हाँ। तो पता होता था ऐसी भी कोई खराब नहीं है लेकिन अच्छा अच्छा चलो बस ठीक है तो ऐसा हम कर लेते थे ना तो अब तो ऐसा तस्वर भी नहीं आप में से कोई कर सकता ना हम कर सकते हैं तो इस अल्लाह ताला से सच्ची तोबा कर ली जाए और जो हो गया तो हो गया अब रोजे तो हम देखें पीर जुमेरात के आप सब अगर रखेंगे तो जो भी इस तरह के छूट गए हैं वो सब इस नियत से रखेंगे मेरा जो भी छूट गया है अल्लाह आपको तो पता है हिसाब किताब तो अभी हम इतना पुराना नहीं कर सकते ना क्या ख्याल है तो बात पीर जमेरात की और रखने की आदत बना लें एक तो बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएंगे नियत तो बीमारियों की नहीं होनी चाहिए अल्लाह को राजी करने की होनी चाहिए और अपने छोड़े बेरोजे हैं वो रखने की नियत होनी चाहिए लेकिन फायदे वैसी मैं बता रही हूँ कि एक तो ये जो आजकल कितनी बीमारियां हार्ट हार्ट की दिल की बीमारी हो जाती है ब्लड प्रेशर हो जाता है ठीक है इंसान मोटापा भी तो एक बीमारी है ना

रोजे रखने में ये यह हमत सबसे बड़ी कि आपको तकवा मिल जाता है क्योंकि हम जो रमजान के तीस रोजे रखते हैं उनका तकवा ग्यारह महीने नहीं चल सकता कम पड़ जाता है है ठीक तो अगर हम ऐयाम बीस के रोजे फिर शवाल के रोजे फिर आशूरा के रोजे ये सब भी हम पीर जमेरात के रोजे ये भी रखने की आदत बना लेंगे तो तकवा जो है ना वो हमें मिलता रहेगा हमारी रूह को ताकत मिलती रहेगी ठीक है ना तकवाई तो होता है जो हमें बुराइयों से बचाता है तकवाई तो होता है जो हमें नेकियां हमसे करवाता है ठीक है ना सेहत भी अच्छी रहेगी वो भी एक प्लस पॉइंट है वो भी अल्लाह वो भी अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने इसमें इतनी खूबियां रखी हैं इसमें इतने फायदे रखे हैं वो भी अल्लाह की तरफ से है तो वो भी होंगे तकवा भी मिलेगा ठीक है ना और अजर सवाब तो बेहिसाब है एक फर्ज रोजे के बारे में अभी देखा ना कितना क्या आ जा रहा है जी बताइए अभी हदीस एक गुजरी थी ना जन्म की आग से कितना दूर हो जाता है इंसान जी मैम मेरा एक क्वेश्चन है जी 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 पूछिए के बारे में है किसी की तबीयत अगर खराब है उस वैसा भी सदका देना सही है या किसी को पेट में दर्द है तो पेट का सदका बोल नहीं ये तो यू नहीं कहना चाहिए कि मेरी जान का सदका ये ये गलत है ठीक है तो वैसे ही आप सदका इसलिए भी इस इसलिए से भी कर सकते हैं कि हो सकता है मुझसे कोई कमी कुताई होगी हो और बस दे दे गरीब को सदका खरा देना चाहिए लेकिन ये जो कई लोग कहते हैं ना मैं अपनी जान का सदका दे रहा हूँ ये गलत चीज है ये नहीं कहना चाहिए ना ये सोच रखनी चाहिए ठीक है ना जरूर देना चाहिए सदका खरा तो कोई गुनाह हो जाए कोई भूल चूक हो जाए कोई कमी कुताई हो जाए तो दे देना चाहिए ठीक है सही ओके okay. मैम जैसे अभी हम वीडियो बनवाते हैं तो वहां मुझसे गलती होगी की मैंने गलत अराब लिख के दे दिए तो उनको स्लाइड्स डबल बनानी पड़ी तो वो उनसे हम पेमेंट पर वीडियोस बनवाते हैं तो मैंने उनको एक्स्ट्रा पैसे भेजे तो उन्होंने कहा कि ये किस बात के है तो मैंने कहा इसलिए कि मैंने गलती कर दी थी तो उन्होंने कहा नहीं गलती के मुझे ना आप भेजा करें तो लेकिन मैंने इसलिए भेज दिए कि आइंदा मैं गलती नहीं करूँगी कि नहीं नहीं गलती की तो मुझे एक्स्ट्रा भेजने पड़ेंगे तो इस तरह आप खुद ही अपने ऊपर भी लगा लिया करें कुछ चीजें अगर मुझसे ये गलती होगी तो मैंने इस तरह से सदका निकालना है ठीक है ना सही ओके okay. कोई और सवाल अल्हम्दुलिल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा सुबह नमदी का न शुल्लांता फिर